सो गुड मॉर्निंग पैसों की अच्छा सत श्रीकाल हूँ कपाजी सैंडी सिंह और आप सभी देख रहे हैं 11th सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स 2023 जो कि ऑर्गेनाइज किए गए इंदौर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी। थैंक यू सो मच कि हमें यहाँ पर अजीब एक मौका मिला इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट करने का, तो थैंक यू सो मच। और आप ये मैच सेंट जोसेफ स्कूल वर्सेस ला सागेस के बीच में खेला जा रहा है और जिसकी शॉर्ट हम LAS टीम जो कि ब्लैक किट में खेल रहे हैं STJ स्कूल जो कि ग्रीन किट में खेल रही है और आप टीम भी से खेलते हुए किट नंबर 2 पास बनता है यहाँ पर, पास दिया बॉल को कलेक्ट किया फोर ने, गुड पासिंग और आप नाइस कमबैक किया सेंट जोसेफ टीम से खेलते हुए, पास दिया है पास वे पे और आप फील किया है यहाँ पर #टर्नओवर और आप पूरे फ्री हैं, पास दिया रिंग के लेफ्ट में शूटिंग टाइम दी, गुड शॉट से स्कोर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर टीम बी की तरफ से। और आप बॉल पोजिशन सेंट जोसेफ टीम से खेलते हुए, पास या सेंटर में, सेंटर से राइट विंग में और आप गुड कटिंग गुड रिसीविंग और गुड शॉट। सो दोनों टीमों की तरफ से स्कोरिंग स्टार्ट हो चुकी है, टीम बी की तरफ से खेलते हुए पास या था फ्री थ्रो लाइन पे, पास यहाँ पर सेंटर में, सेंटर से वंडरबल के साथ जंप शॉट ट्राई किया एयर बॉल और आप बॉल पोजिशन टीम में जो कि सेंट जोसेफ है और आप बैंड लेफ्ट हैंड से ड्रिबल करते हुए रिंग के लेफ्ट साइड में 2 मैन के बीच में गए, सेंटर में पास या फ्री थ्रो लाइन पे और आप पास या राइट विंग में, राइट विंग से पास दिया 45 पोजिशन पे और आप फ्री थ्रो लाइन से पास या सेंटर में, गुड पासिंग और आप शूटिंग टाइम और डक मिस, गुड रिबाउंड टीम बी, पास दिया 1 को और आप राइट हैंड ड्रिबल करते हुए फ्रंट कोर्ट में आए, 2 मैन को बीट किया फाउल और बॉल पोजिशन सेंट जोसेफ बाउंस पास को कलेक्ट किया, पास दिया फ्री रेड जोन एरिया में, रेड जोन एरिया से 45 पोजिशन पे पास बैक में पास बनता है यहाँ पर और आप बॉल को बीट किया राइट विंग में, पास दिया यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम जो कि ग्रीन किट में खेल रहे हैं और अब बेस लाइन से आए ब्लॉक अमेजिंग और अब सेकंड अटैम्प में यहाँ पर फाउल मिला। सो फ्री शॉट 2 फ्री शॉट में जैसे कि बास्केटबॉल का रूल होता है कि अगर शूटिंग मोड पे या फिर स्टेपिंग पे फाउल होता है तो 2 फ्री शॉट मिलते हैं, अगर काउंट नहीं होती है, अगर काउंट होता है तो 1 फ्री शॉट मिलता है लेकिन यहाँ पर काउंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से 2 फ्री शॉट मिले हैं अब सेंट जोसेफ टीम को। टाइम आउट की कॉल हुई है यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम की तरफ से। तो आफ्टर बास्केट काउंट टाइम आउट कॉल जो कि नहीं मिल सकता बिकॉज बॉल पोजीशन होगी यहाँ पर टीम बी की, तो टीम बी की बॉल पोजीशन पे यहाँ पर टाइम आउट नहीं मिलेगा और अब फर्स्ट फ्री शॉट मिस, सेकंड फ्री शॉट अटैम्प्ट करते हुए और अब सेकंड फ्री शॉट भी मिस हुआ, बॉल पोजीशन है यहाँ पर सेंट जोसेफ, शूटिंग अटैम्प्ट, गुड शॉट। तो स्कोर हो चुका है 4-2 फेवर सेंट जोसेफ जो कि टीम ए है, ग्रीन किट में खेल रहे हैं और आप टीम बी जैसी नंबर 4 बॉल को होल्ड किया, पास दिया 45 पोजीशन जैसी नंबर 4 को, उन्होंने पास दिया पर और अब गुड पासिंग, शॉर्ट अटेम्प्ट दिया, मिस हुआ, फिर रिबाउंड दिया यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम ने, पास दिया पास देखे और अब गुड एफर्ट्स यहाँ पर टीम भी एलएएस टीम की तरफ से खेलते हुए गुड एफर्ट्स। और अब टाइम आउट कॉल हुई यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम की तरफ से, टाइम आउट की कॉल। हाँ, आप सभी देख रहे हैं 11वें सुनीता सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 2023 बॉयज़ एंड गर्ल्स। इससे पहले वाला जो मैच था वो खेला गया था बॉयज़ का, और अब ये डे 2 है। सो डे 2 में खेला जा रहा है अब मॉर्निंग सेशन का सेकेंड मैच गर्ल्स का। सो जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी। सो टाइम आउट कॉल यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम की तरफ से। कौन से चैनल पे लाइव आ रहा है? इंडियन लाइव स्पोर्ट्स है। और अब टाइम आउट लिया गया था, टाइम आउट के बाद दोबारा मैच स्टार्ट होता हुआ। बॉल पोजीशन की तरफ चलते, बॉल पोजीशन है सेंट जोसेफ और आप सेंट जोसेफ टीम से खेलते हुए गुड शॉट। ऐसा करो, फाइल के दो सा हाथ पर जोसेफ टीम से खेलते हुए स्पीड वर्क के साथ गेम खेलते हुए फाउल मिला है। सुरेफ का इशारा, जस्ट नंबर 6 का फाउल, साइड थ्रो मिली यहाँ पर। और अब पास या अंडर बोर्ड शॉर्ट रन दिया था, मिस हुआ। और अब ट्रैवलिंग वॉल्यूशन। सो बास्केटबॉल का रूल होता है कि आप स्टैंडिंग में ड्रिबल से पहले 1 फुट को ही मूव कर सकते हैं। अगर सेकंड फुट को मूव किया तो ट्रैवलिंग वॉल्यूशन कहलाती है। तो इसी तरीके की जजमेंट देखने को मिलेगी। और बॉल पोजीशन यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम से खेलते हुए पास मिला यहाँ पर। और आप इस विसल के साथ फर्स्ट को हुआ था यहाँ पर कंप्लीट। सो वेलकम बैक। और अब इस मैच का सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड क्वार्टर में बॉल पोजीशन है सेंट जोसेफ टीम। सो सेंट जोसेफ टीम से खेलते हुए 3 पॉइंट अटैम्प्ट लिया, अमेजिंग 3 पॉइंटर। सो मैच के सेकंड क्वार्टर के स्टार्टिंग में अमेजिंग 3 पॉइंटर। और अब बॉल पोजीशन STG टीम। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पहला एक ऐसा बास्केटबॉल यूट्यूब चैनल है जो कि इंडिया में बास्केटबॉल की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी तो हमारा और आप सभी का रब राखा है। रब राखा के साथ यहाँ पर ये आप शूटिंग का टाइम ली थी, मिस हुआ। बॉल पोजिशन सेंट जोसेफ टीम से खेलते हुए फ्रंट कोर्ट में, बैक कोर्ट में ड्रिबल करते हुए फ्रंट कोर्ट में आए, राइट हैंड ड्रिबल और आप पास या बेस लाइन पे शॉर्ट एरम या मिस, गुड रिबाउंड, बाउंस पास देने की कोशिश और आप जंप बॉल। जंप बॉल के साथ आप बॉल पोजिशन यहाँ पर स्टील किया, गुड स्टील, कम बैक किया सेंट जोसेफ टीम ने। बेस लाइन से शॉर्ट एरम या फाउल मिला शूटिंग मोड पे, सो स्टेपिंग लेके बॉल को ग्रैब करने के साथ यहाँ पर ये रिलीज़ करने की कोशिश थी जिस पे फाउल हुआ और अब 2 फ्री शॉट बने यहाँ पर सेंट जोसेफ टीम को। फर्स्ट फ्री शॉट काउंट। और अब सेकंड फ्री शॉट अटैम्प्ट करेंगे। और अब सेकंड फ्री शॉट मिस, गुड रिबाउंड सेंटर से, गुड पासिंग और अब बोर्ड शूट, गुड शॉट। लवली गेम यहाँ पर टीम ए का, बॉल पोजिशन टीम बी से खेलते हुए राइट हैंड बॉल लेफ्ट से गार्ड किया और अब मैन को बीट किया है, अंदर आए, लूप में पास है, गुड पासिंग अंडर बोर्ड और अब बॉल फंबल हुई, नाइस डिफेंस यहाँ पर टीम ए। बॉल पोजिशन टीम ए से खेलते हुए जो कि ग्रीन किट में है और अब सेंटर में बॉल को कलेक्ट किया था, पास दिया राइट विंग में, राइट विंग से यहाँ पर पास दिया बेस लाइन पे और अब लेफ्ट हैंड ड्रिबल, गुड एफर्ट्स, हार्ड लक मिस हुआ शॉट और अब गुड रिबाउंड, अगेन शूटिंग और इस बार डेड बॉल। सो अगर बोर्ड के पीछे लगती है तो डेड बॉल कहलाती है, बोर्ड के आगे फ्रंट सो लीगल होता है लेकिन बोर्ड के अगर पीछे बॉल लगती है तो डेड बॉल कहलाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके का रूल देखने को मिला रेफरी के जजमेंट के साथ, गुड जजमेंट। और अब इस मैच का ये सेकंड क्वार्टर था, यहाँ पर सेकंड क्वार्टर भी कंप्लीट। सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट होने के साथ स्कोर है 12-2 फेवर टीम है सेंट जोसेफ। सो वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी लाइन स्पोर्ट्स सबसे जुड़े इस मैच को लाइव टेलीकास्ट है। इस मैच का अभी थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है। थर्ड क्वार्टर में बॉल पोजिशन है टीम ए की जो कि सेंट जोसेफ है और अब सेंट जोसेफ टीम से पावर डब्ल्यू के साथ यहाँ पर पास देने की कोशिश थी, नाइस डिफेंस यहाँ पर टीम बी और अब बॉल पोजिशन टीम बी जो कि ब्लैक किट में खेल रहे हैं, बाउंस पास दिया, करेक्ट किया और अब राइट हैंड ड्रिबल करते हुए 2-on-1 डिफेंस, गुड डिफेंस और अब डबल का इशारा होगा, यस सो बास्केटबॉल का एक और रूल, अगर यहाँ पर ड्रिबल करते हुए बॉल को पकड़ते हैं और उसके बाद ड्रिबल करते हैं सो वो अलाउ नहीं होता, इज़ नॉट लीगल, जिसकी वजह से बोलते हैं डबल। और ऐसी ही जजमेंट देखने को मिली यहाँ पर, गुड जजमेंट। और अब सेंटर से गुड पासिंग, हार्ड डक मिस हुआ, रिबाउंड या सेंट जोसेफ टीम ए ने राइट हैंड ड्रिबल करते हुए और अब पास देने की कोशिश थी दो मैन के बीच में, जिसकी वजह से एक ईजी डिफेंस और अब रेफ का इशारा फाउल। बॉल पोजीशन टीम बी से खेलते हुए सेंटर में पास या फ्री थ्रो लाइन पे जसीम अफोर को और अब फाउल मिलेगा यहाँ पर। सो फ्री शॉट लेंगे टीम बी को। सो 11th सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स 2023 तो फर्स्ट टाइम आप सभी को लाइव टेलीकास्ट देखने को मिल रही है। तो स्कूल टूर्नामेंट भी अब आपको लाइव टेलीकास्ट देखने को मिल रहे हैं सेकंड टाइम। सो इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अब बैक टू बैक, चाहे वो छोटा टूर्नामेंट हो या बड़ा टूर्नामेंट हो या फिर ऑल इंडिया हो या फिर नेशनल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हो या फिर स्टेट हो या फिर आने वाला टाइम इंटरनेशनल हो, सभी को आप सभी को लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ये सब आप सभी का प्यार है, आप सभी का स्वाद है। तो प्लीज़ इसी तरीके से प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए और हमसे रज के मेहनत कराते रहिए, क्योंकि मेहनत हमारी है, रहमत ऊपर वाले की है, प्यार आप सभी का है। और आप चेंज के लिए कॉल भी यहाँ पर। सो टीम ए की तरफ से चेंज के लिए कॉल। और अब फ्रंट लाइन से पास देते हुए बाउंस पास दिया टीम ए ने, राइट हैंड ड्रिबल साइड लाइन पे आए, लेफ्ट हैंड से गार्ड करते हुए और अब गुड एफर्ट्स, गुड स्टील, मैन टू मैन डिफेंस के साथ यहाँ पर स्टील किया और अब सेंटर से बोर्ड शूट ट्राई किया था, मिस हुआ, गुड एफर्ट, सेकंड अटैम्प्ट मिस हुआ। और अब बॉल पोजीशन टीम ए से खेलते हुए यहाँ पर में पास देने की कोशिश थी, पास को कलेक्ट किया, बैंड हुए और अब राइट हैंड ड्रिबल, बॉल को कलेक्ट किया, नाइस डिफेंस। तो अब यहाँ पर टीम बी की तरफ से गुड डिफेंस देखने को मिल रहा है। सेंटर में पासिंग, पास दिया राइट में, शॉर्ट अटैम्प्ट, अगेन गुड रिबाउंड और अब बाउंस पास, गुड पासिंग, शॉर्ट अटैम्प्ट मिस हुआ, गुड रिबाउंड, पास दिया है पर और अब गुड एफर्ट्स। आउट ऑफ बाउंड बॉल पोजीशन यहाँ पर टीम ए से खेलते हुए, बॉल को कलेक्ट किया, बॉल को होल्ड किया वनडरबल के साथ और आप पास दिया था, ट्रैवलिंग वॉलेशन होगी यहाँ पर, ड्रिबल से पहले दोनों फुट को मूव किया था जिसकी वजह से ट्रैवलिंग वॉलेशन हुई और आप बॉल पोजीशन होगी टीम हुई। तो टीम भी फ्रंट कोर्ट से बॉल को रिसीव करेंगे, पास को कलेक्ट किया राइट विंग में, गुड पासिंग, अंडर बोर्ड और अब गुड शॉट, नाइस शूटिंग। सो देर आए दुरुस्त आए और अब कम बैक किया यहाँ पर टीम बी ने और अब इस विसल के साथ इस मैच का थर्ड क्वार्टर भी कंप्लीट। तो इस मैच का थर्ड क्वार्टर कंप्लीट होने के साथ अब ये फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा जो कि बास्केटबॉल का लास्ट क्वार्टर होता है। अगर ओवर टाइम में नहीं जाता तो बास्केटबॉल में 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं इंडिया में, और जो कि स्टॉप एंड वो खेले जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू गेम, सो अब देखना होगा कि फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलेगी टीम बी की तरफ से। तो इस मैच का अब फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है। फोर्थ क्वार्टर में बॉल पोजीशन है टीम ए की, जो कि सेंट जोसेफ है, और अब पास यहाँ पर फ्री थ्रो लाइन पे और शूटिंग मोड पे फाउल हुआ है जर्सी नंबर 4 का टीम बी की तरफ से। फ्री शॉट लेंगे यहाँ पर टीम ए को। फर्स्ट फ्री शॉट अटैम्प्ट करते हुए फर्स्ट फ्री शॉट फाउल, और अब सेकंड फ्री शॉट अटैम्प्ट करते हुए सेकंड फ्री शॉट मिस। गुड रिबाउंड किड नंबर 4 टीम बी की तरफ से, और अब गुड पासिंग, गुड शॉट, और अब बॉल पोजीशन टीम बी। और अब टीम बी की तरफ से चेंज के लिए कॉल भी है। बॉल पोजीशन टीम बी, और अब टीम बी की तरफ से ड्रिबल करते हुए बॉल को होल्ड किया, पास देने की कोशिश की, हार गया और स्टील किया था। कम बैक के आगे यहाँ पर टीम बी ने पास दिया, गुड पासिंग, और अब फुट से आउट हुई है सेंट जोसेफ टीम टीम ए की तरफ से। सो बॉल पोजीशन टीम बी जो कि ब्लैकेट में खेल रहे हैं, साइड थ्रो मिली है, साइड थ्रो को बॉल को कलेक्ट किया जसीर बसावा ने, सेंटर पास देने की कोशिश की, बॉल पर मिली और अब पास भी यहाँ पर बॉल को पीछे से आए फुट से आउट हुई है। सो अब बॉल पोजीशन होगी टीम ए जो कि ग्रीन किट में खेल रहे हैं। हेडलाइन से पास दिया और अब शूटिंग टाइम मिस हुआ, गुड रिबाउंड एसटीजी टीम, और अब गुड फेक, बाउंस पास, शूटिंग टाइम मिस, रिबाउंड लिया यहाँ पर। कम बैक के आगे टीम ए ने पास दिया बी से ओपन के, और अब गुड ब्लॉक, नाइस पासिंग, पूरे फ्री हैं, शूटिंग टाइम ली, गुड शॉट। बॉल पोजीशन टीम बी की तरफ से खेलते हुए राइट हैंड ड्रिबल, इस मिसल के साथ इस मैच की विनर टीम ए एसटीजे ने इस मैच को विन किया। तो लक बधाइयाँ यहाँ पर एसटीजे टीम को, अगला के यहाँ पर टीम बी, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में लाइव टेलीकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। जो भी आपका कमेंट होगा हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय 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 बाय।